अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, चैनल टीच मी टेक्निकली में खुश आमदीद। मैं मोहम्मद जैन अंजुम पाकिस्तान के शहर लाहौर से आज इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। और आज के इस वीडियो के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि किस तरह से आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और किस तरह से आप क्रिप्टो करेंसी के थ्रू प्रॉफिट को अर्न कर सकते हैं। सो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल टीच मी टेक्निकली सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो अभी सब्सक्राइब कर लें। सो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से आपने बाइनेंस का अकाउंट बनाना है जिसके थ्रू आप ट्रेडिंग करेंगे और आप क्रिप्टो करेंसी को खरीदेंगे और क्रिप्टो करेंसी को बेचेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना यह है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा, आपने उस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज लोड होगा। इस पेज के लोड होते ही आपने करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्लिक करना है रेफरल आईडी। अगर ये पहले से गिवन है तो फिर तो ठीक है, अगर ये पहले से गिवन नहीं है तो यहाँ पर आपने लिखना है 8357288 9, ठीक है। यहाँ पर आपने लिखनी है अपना ईमेल एड्रेस। फॉर एग्जांपल आपको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, टीच मी टेक्निकली की ईमेल एड्रेस पर एक अकाउंट क्रिएट करते हैं। सो टीच मी टेक्निकली @gmail.com, ठीक है। और उसके बाद आपको रखना है एक पासवर्ड। पासवर्ड रखते वक्त आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है और वो ये ख्याल रखना है कि आपने यहाँ पर एक बहुत ही सिक्योर्ड पासवर्ड देना है। बहुत ही सिक्योर्ड पासवर्ड मतलब ये कि आपने अपने पासवर्ड के अंदर जो है मिनिमम आपके 8 करेक्टर्स होने चाहिए, एक अपर केस भी होना चाहिए और एक एटलीस्ट 1 नंबर होना चाहिए। लेकिन आप क्या कीजिए, आप कम से कम 25 डिजिट्स का पासवर्ड रख लीजिए। 25 डिजिट्स का पासवर्ड मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस पासवर्ड को ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, एक 25 डिजिट का पासवर्ड रख लेते हैं। सो ये मैंने कुछ डिजिट्स एंटर कर दिए, आई डोंट नो कि ये 25 हुई हैं या नहीं, लेकिन मैंने कुछ काफ़ी ज़्यादा डिजिट्स को एंटर कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर मुझे शो हो रहा है कि हाई आपका पासवर्ड है, ठीक है, स्ट्रेंथ उसकी हाई है। उसके बाद जब आप ईमेल लगा लेंगे, पासवर्ड लगा लेंगे, रेफरल आईडी 8357288 9, जब आप ये लिख देंगे 8357288 9, उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर क्लिक करना है जो लिखा हुआ है क्रिएट अकाउंट। सो जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा बाइनेंस के ऊपर, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास एक पज़ल आई है जिसको आपने सॉल्व करना है। सो ये सिंपल एक वेरिफिकेशन के लिए कि कहीं आप रोबोट तो नहीं है जो अकाउंट क्रिएट करें। सो आपने इसको फिल किया। सो जैसे ही आप ये करेंगे, आपकी लोडिंग स्टार्ट हो गई और आपका अकाउंट क्रिएट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर एक कोड आएगा। सो फ्रेंड्स, आपने एक बात का बहुत ख्याल रखना है और वो ये कि कभी भी आपने कोई भी कोड किसी के साथ शेयर नहीं करना। जब भी कोई कंपनी आपको कोई कोड भेजती है, फॉर एग्जांपल किसी बैंक की तरफ से आता है या फॉर एग्जांपल ये बाइनेंस की तरफ से कोड आपको आ रहा है, तो आपने ये कोड किसी के साथ भी शेयर नहीं करना, आपने डायरेक्ट वहाँ पर जाकर खुद से लगाना है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास जो कोड आया वो मैं एंटर करता हूँ। सो जैसे ही मैंने अपने कोड को एंटर किया तो यहाँ पर मेरे पास मैसेज शो हो गया सक्सेस, जिसका मतलब यह है कि मेरा बाइनेंस के ऊपर अकाउंट क्रिएट हो गया, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक आप देखेंगे कि बाइनेंस का अकाउंट बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं था और हमने क्या किया कि बाइनेंस पर अकाउंट बना लिया। लेकिन 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 यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती। बाइनेंस का मुकम्मल अकाउंट किस तरह से आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए पूरी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, ठीक है। तो उसकी सेटिंग भी हम इसी वीडियो में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है कि जैसे ही आपका ये अकाउंट बन जाएगा, आपने यहाँ पर क्लिक करना है गो टू डैशबोर्ड। सो फ्रेंड्स, अब हमारे सामने एक पॉपअप आया और इस पॉपअप के अंदर वो ये कह रहा है कि आप अपना फ़ोन वेरीफाई करें या फिर गूगल वेरीफिकेशन करें, ठीक है। फ़ोन वेरीफिकेशन एक ईजियर स्टेप है और जल्दी हो जाएगा क्योंकि आपके पास आपके मोबाइल में सिम होगी, तो सिम के थ्रू ये आपको वेरीफाई कर लेगा कि ठीक है ये नंबर इस अकाउंट के साथ एसोसिएट हो जाएगा। लेकिन गूगल वेरीफिकेशन अगर आप करेंगे तो उसके लिए आपको एक डिफरेंट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा और फिर उसके बाद आप उसको वेरीफाई कर पाएंगे। लेकिन आप इन दोनों में से जो मर्जी वेरीफिकेशन कर सकते हैं। इस वक्त मैं फ़ोन वेरिफिकेशन नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपना नंबर किसी और अकाउंट पर इसको रजिस्टर कर चुका हूं। सो अभी फिल वक्त मैं क्या करता हूं, इसको क्लोज़ कर रहा हूं। लेकिन आपने क्या करना है, आपने फ़ोन वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप फ़ोन वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, यहां से आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। सो जिस भी कंट्री में आप रहते हैं, आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल कि आप पाकिस्तान में हैं तो आप क्या सेलेक्ट करेंगे, पाकिस्तान, ठीक है। सो यहाँ पर आपने क्या करना है, पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपने अपना नंबर देना है, जो भी आपका नंबर है, ठीक है। अपने नंबर के स्टार्ट में 0 नहीं लिखना, आपने
आपने 3 से स्टार्ट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर नंबर स्टार्ट होता है 0321 तो आपने सिंपली 321 लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, एसएमएस वेरिफिकेशन और ईमेल वेरिफिकेशन दोनों करनी है। सो जब आप फोन नंबर वेरीफाई कर रहे हैं तो आपने क्या करें, आप दोनों बटन्स को एक साथ ही क्लिक करें ताकि दोनों के कोड्स एक साथ आएं, क्योंकि ये कोड्स 1 मिनट के अंदर अंदर आपको दोनों को एंटर करना होता है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि दोनों बटन आप एक साथ प्रेस करें ताकि वो दोनों कोड्स एक साथ आएं और आप उनको उनकी जगह पर लिख कर सबमिट करें। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, सो जब आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई हो जाएगा तो उसके बाद क्या करना है, अभी भी यहाँ पर वीडियो ख़त्म नहीं हुई, ठीक है। सो वंस आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई भी हो जाता है, फिर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके पास लेफ्ट साइड पर सेटिंग्स हैं, आपने सेटिंग्स पर क्लिक करना है। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको शो हो रही है बेसिक इन्फो, आपने बेसिक इन्फो पर क्लिक कर देना है। सो फ्रेंड्स, जब आप बेसिक इन्फो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज लोड होगा और वो पेज आपको बताएगा कि आखिर आपकी पर्सनल वेरिफिकेशन करनी है उसने। सो क्या करना है, आपने अपनी वेरिफिकेशन करवानी है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ से कंट्री सेलेक्ट करनी है, जैसे कि उसने बता दिया कि आपकी कंट्री पाकिस्तान है, सो उसने सेलेक्ट करके बताया। आपने यहाँ पर करना है वेरीफाई नाउ, ठीक है। सो जब आप वेरीफाई नाउ करेंगे, यहाँ पर वो आपके पास आपकी डिटेल्स पूछेगा, जिसके अंदर आएगी आपकी नेशनैलिटी, आपकी फॉर एग्जाम्पल आपका नाम क्या है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, ठीक है, और इसके अलावा आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। सो यहाँ पर आपने लिखना है अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम। यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मिडिल नेम आप ना लिखें, क्योंकि ये ऑप्शनल है। सिंपली आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखें, क्योंकि जब आप क्रेडिट कार्ड को यूज़ करेंगे या डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे होंगे ट्रांजैक्शन के लिए, तब आपको एक प्रॉब्लम फेस होगी कि वहाँ पर आपका जो नाम है वो मिडिल नेम स्किप होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है मोहम्मद जैन अंजुम, तो वो लिखा होगा मोहम्मद अंजुम, बीच में से जैन जो है वो स्किप हो जाता है, ठीक है। सो मिडिल नेम को आप स्किप कर दीजिए, क्योंकि ये ऑप्शनल है। आप यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिए, फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद जैन अंजुम, ठीक है, सॉरी यहाँ पर लिख देता हूँ मोहम्मद जैन और लास्ट नेम में मैं लिख देता हूँ अंजुम, ठीक है, एंड दैट्स इट। और यहाँ से आप अपने सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी बर्थ डेट क्या है। आपने अपने CNIC के मुताबिक सब चीज़ें एंटर करनी है, अपना जो भी CNIC पे एग्जैक्ट नेम है वो, और जो आपका बर्थ डेट है वो, ठीक है। उसके बाद आपने क्लिक करना है कंटिन्यू पे। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास पूछेगा वो स्ट्रीट एड्रेस। सो यहाँ पर आपने ऐड करना है अपना स्ट्रीट एड्रेस, उसके बाद आपने सर्च करना है अपना पोस्टल कोड, ठीक है। आप गूगल पर सर्च करें अपने करीबी इलाके को और उसके बाद वहाँ से पोस्टल कोड निकाल लें, उस पोस्टल कोड को यहाँ पर पेस्ट करें। प्लस यहाँ पर आपको अपनी लिखनी है सिटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप, मैं यहाँ पर कुछ भी रेंडम सा एड्रेस दे देता हूँ, ये एक बिल्कुल ही रेंडम मैं ऐड कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि आपको दिखाना है मुझे कि किस तरह से आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सो सिंपली आपने क्या करना है, आपने एड्रेस भी ऐड किया और वो भी कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया, एंड दैट्स इट, ठीक है। आपने इसको कर दिया बंद। सो जैसे ही आप इसको बंद करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर अभी भी आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं हुआ, आपका अकाउंट जो है वो बेसिक लेवल का वेरीफाई हुआ है, आपका एडवांस लेवल का और इंटरमीडिएट लेवल का वेरीफाई नहीं हुआ, ठीक है। सो इंटरमीडिएट के लिए आपको क्या करना है, देखिए बेसिक अगर आप वेरीफाई कर रहे हैं तो उसके लिए क्या है कि आप $300 लाइफ टाइम डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है, और विड्रॉ कर सकते हैं, और आपका ये क्रिप्टो विड्रॉ 2 BTC डेली आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको इंटरमीडिएट करना है ताकि आप ज़्यादा अपनी जो अमाउंट है उसको ट्रांजेक्शन कर सकें, ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकें, ज़्यादा विड्रॉ कर सकें, ठीक है, वरना आपको बाइनेंस अलाउ ही नहीं करेगा, ठीक है। सो आप क्या करें कि इंटरमीडिएट भी कर लें, आई वुड रिकमेंड कि आप इंटरमीडिएट भी कर लें, क्योंकि आपने ट्रांजेक्शन करनी होगी, आपने पीयर टू पीयर ट्रेडिंग करनी होगी, तो उसके लिए आप बेहतर यह है कि आप इंटरमीडिएट अपनी जो वेरिफिकेशन है वो भी कर लें, ठीक है। सो इंटरमीडिएट वेरिफिकेशन के लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पर, और जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे बटन पर, तो आपके सामने जो आएगा पॉपअप और जो स्क्रीन सामने आएगी उसके अंदर आपको अपनी वेरीफाई करना है प्रोफाइल को। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इंटरमीडिएट वेरिफिकेशन के लिए आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करें, क्योंकि मोबाइल फ़ोन के थ्रू आप पिक्चर्स इजीली ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इस स्टेप के अंदर आपको अपना आईडी कार्ड वेरीफाई करना है, ठीक है, या तो आप आईडी कार्ड वेरीफाई कर लें या पासपोर्ट को वेरीफाई कर लें, ठीक है। आपके पास जो भी आपकी आइडेंटिटी है आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। इन केस के आपके पास ना आईडी कार्ड है ना पासपोर्ट है तो फिर आप बेसिक लेवल पे ही रह सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास आईडी कार्ड है और पासपोर्ट है तो आप इंटरमीडिएट वेरिफिकेशन लाजमी करवाएं,
ठीक है। सो यहाँ से आपको क्लिक करना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल आईडी कार्ड पे आप क्लिक करते हैं और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं, तो आपने अपनी आईडी कार्ड की जो इमेजेस हैं उसको अपलोड करना है। आपने क्या करना है कि दो इमेजेस अपलोड करनी है जो कि आपकी सीएनआईसी की होंगी, ठीक है, उसका बैक और फ्रंट दोनों को आपने यहाँ पर अपलोड करना है और उसके बाद आपने करना है कंटिन्यू। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे वो इमेजेस हो जाएंगी अपलोड, अपलोड होने के बाद वो आपकी फेस वेरिफिकेशन भी करेगी। सो फेस वेरिफिकेशन के लिए बाइनेंस आपको ये कहेगा कि आप अपनी एक इमेज को अपलोड करें। सो क्या कीजिएगा, आप अपनी एक तस्वीर लीजिएगा, फॉर एग्जांपल आप मोबाइल से कर रहे हैं तो आप मोबाइल से एक तस्वीर लीजिएगा अपनी और उसको अपलोड कर दीजिएगा। जैसे ही आप तस्वीर को अपलोड करेंगे उसके बाद भी एक वेरिफिकेशन है और वो वेरिफिकेशन होगी आपकी फेस वेरिफिकेशन। वंस अगेन, पहले था एक आपने इमेज अपलोड की, अब उसके बाद लाइव वेरिफिकेशन है जिसके लिए आप अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करें। सो आपको करना क्या है कि आपको मोबाइल को बिल्कुल वर्टिकली बिल्कुल अपने सामने स्ट्रेट रखना है और उसके बाद उसके सामने आ जाना है, ठीक है, जो एरिया गिवन होगा फेस के लिए उसके अंदर आपने अपने फेस को प्लेस करना है और फिर उसके बाद आपको स्क्रीन पर एक एक्शन दिखाई देगा जिसके अंदर बताया जाएगा कि आप फॉर एग्जांपल आईज क्लोज करें और ओपन करें, ठीक है, या फिर सर को अपने हिलाएं, ठीक है। सो इस तरह की कोई भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं जिससे वो वेरीफाई करेंगे कि ठीक है, यू आर अ ह्यूमन बींग, यू आर नॉट आ रोबोट। तो जब आप ये स्टेप फॉलो कर लेंगे तो उसके ऑलमोस्ट एक घंटे के अंदर अंदर आपकी वेरिफिकेशन का जो स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके अंदर बाइनेंस वेरीफाई कर लेगा कि ठीक है, आप एक जेन्युइन पर्सन है और ये आपका अकाउंट, अब आप इसके ऊपर ट्रेडिंग खुल के कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके अंदर आपके इंटरमीडिएट लेवल तक आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरह से हमने ट्रेडिंग करनी है, किस तरह से हमने अपनी अमाउंट को ट्रांसफ़र करना है बाइनेंस के अकाउंट में और किस तरह से आगे हमने कॉइन्स खरीदने हैं और किस तरह से उनको सेल करना है और किस तरह से हम उन कॉइन्स को सेल करके प्रॉफिट कमाया है उसको किस तरह से वापस ट्रांजेक्शन करके अपने पास लेना है और किस तरह से हमने फाइनली एक प्रॉफिट कमाना है। सो ये सब कुछ आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। तब तक के लिए चैनल टीच मी टेक्निकली को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।